ओम शांति। आज बाबा के 20 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने विशेष रूप से समझाया कि टकराव का कारण क्या है और निवारण क्या है। टकराव का मूल कारण है देह अभिमान। जब देह अभिमान होता है तो आपस में छोटी छोटी बात पे टकराव होता है, और इसका निवारण है देही अभिमानी बनना, याद में और सेवा में बिजी हो जाना। बाबा ने कहा यह भी माया की ग्रह जारी है। जब आप याद में बिजी रहेंगे, सेवा में बिजी रहेंगे, तो ग्रह जारी उतर जाएगी, देह अभिमान समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा बाबा आया है, ज्ञान सूर्य बाप आया है। आप जगे हो तो आपका काम है औरों को जगाना। जो भी आत्माएं आपको मिलती हैं उन्हें परमात्म संदेश जरूर देना है। कोई भी ये बात बाबा ने कहा नहीं जानते कि परमात्मा पिता बनकर वर्षा देने आया है। आप बच्चे इस तथ्य को जानते हो तो औरों को भी समझाना है। फिर बाबा ने कहा आपकी जो मुख्य धारणा है वो है पवित्रता। ब्राह्म जीवन की ये श्रेष्ठ धारणा है। इसके लिए आपको चाहे कितना भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, त्याग में ही भाग्य का अनुभव करना है। कभी भी अपनी इस मर्यादा को, नियम को तोड़ना नहीं। त्याग में भाग्य अनुभव करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना है। इसी के लिए गाया जाता है प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान की परिभाषा बताई। किसे कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान? बाबा ने कहा जो अपनी शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना जानते हैं वो मास्टर सर्वशक्तिवान है। सार है मुरली का, मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला, अब तुम जागे हो, दूसरों को भी जगाओ। ज्ञान सूर्य बाप मिला, तुम जगे हो, औरों को भी जगाओ। कुछ ने अनेक प्रकार के टकराव का कारण और उसका निवारण क्या है। जब देह विमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं, माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। याद की यात्रा में रहने से ग्रहचारी मिट जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने व समझाने। ये तो बच्चे समझ गए हैं ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। बाकी समय थोड़ा रहा है, इस भारत को रावणपुरी से विष्णुपुरी बनाना है। अब बाप भी है गुप्त, पढ़ाई भी गुप्त, सेंटर्स तो बहुत हैं। छोटे बड़े गांव में छोटे बड़े सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों ने चैलेंज तो दी है, लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें लिखना है हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि जानते हो भारत ही स्वर्ग था, इसको 5-4 वर्ष हुए। भारत वो शानदार था, इसको स्वर्ग कहा जाता। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को ही नॉलेज है। भारत ही स्वर्ग था, फिर से बनाना है। जो ब्राह्मण बने हैं उन्हें ही ये नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमें स्वर्ग जरूर बनाना है। सबको रास्ता बताना है, कोई खिटपिट की बात ही नहीं। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी चित्र दें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए, आपस में मिलकर सेमिनार करना चाहिए कि ऐसे कौन से चित्र दें कि लोगों को समझ में आ जाए। जैसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं भारत को हम कैसे सुधारें, ये जो इतने मतभेद हो गए उनको आपस में मिलकर कैसे ठीक करें, भारत में शांति सुख कैसे स्थापन करें। उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है, तुम भी पांडव गवर्नमेंट हो। बाबा ने कहा उनका भी पुरुषार्थ चलता है और आप हो पांडव गवर्नमेंट। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है, इसको वास्तव में कहा जाता पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट।
पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं, ये बच्चे ही जानते हैं। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये बच्चे जानते यह रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये है शिव बाबा द्वारा रचा हुआ यज्ञ। रुद्र कहा जाता ईश्वर बाप को, शिव को गाया हुआ है। बरोबर बाप ने आके रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा कर दिया, अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। अब तुम्हें बाबा ने जगाया, तुम्हें औरों को जगाना है। आपको बाबा ने जगाया, आपको औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया उतना ही कल्प पहले भी किया था। इस समय जिसने जितना पुरुषार्थ किया कल्प पहले भी किया था। हाँ, युद्ध के मैदान में उतराव चढ़ाव तो होता ही है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है। कभी कभी सर्विस बड़ी अच्छी तेजी से चलती है और कभी कभी माया विघन डालती है। बाबा कहते कभी तो बच्चों बहुत उमंग रहता है, कभी माया ढीला भी कर देती है, माया एकदम बेहोश कर देती। लड़ाई का मैदान तो है ना, रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लक्ष्मण के लिए भी कहानी है ना, शास्त्रों में प्रसिद्ध है, लक्ष्मण मूर्छित हो गया। बाबा ने कहा आप बच्चों को भी कभी कभी माया परास्त कर देती है, हरा देती है। तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसा कहते हो। जिन्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला, जो जाग उठे हैं वही समझेंगे। इसमें एक दो को कहने की भी कोई बात नहीं, तुम जानते हो बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय जागे हैं, बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। वो ये नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आ गया। बाबा का आप बच्चे जगे हो, औरों को जगा रहे हो, बाकी कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा बाप आ गया बच्चों को वर्षा देने। ये बिल्कुल भूल गए हैं, परम पिता परमात्मा आ गया वर्षा देने, ये बात भूल गए। बाप भारत में आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता, शिव जयंती मनाते हैं, जरूर उसने आके कुछ तो किया होगा। बुद्धि कहती जरूर स्वर्ग की स्थापना की होगी, प्रेरणा से थोड़ी स्थापना होगी। यहाँ तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता, याद की यात्रा समझाई जाती है, प्रेरणा से कोई आवाज होता नहीं। समझते शंकर की भी प्रेरणा होती तब यादव मुसल आदि बनाते हैं, परंतु प्रेरणा की कोई बात नहीं। तुम समझ गए हो उनका पार्ट है ड्रामा में ये मिसाइल आदि बनाने का, प्रेरणा की बात नहीं। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में मिसाइल्स काम में आए, तो जो पास्ट हो गया फिर रिपीट होगा। तुम गारंटी करते हो हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे, तुम गारंटी करते हो भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे जहाँ एक धर्म होगा। तुम ऐसा नहीं लिखते कि अनेक अधर्म विनाश होंगे, वह तो चित्र में लिखा हुआ है। स्वर्ग की स्थापना होती है तो वहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं होता। जब स्वर्ग होता है तो एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी बाबा कहते अनेक धर्म हो गए, धर्म की परिभाषा भी सब भूल गए। तो जब ऐसा अधर्म आ जाता है तो बाबा समझाते सबसे बड़ा पार्ट है शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, बड़ी गुह्य बातें हैं। विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं, ये सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है। जो समझदार हैं वो इन बातों को समझते हैं कि कैसे ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है निश्चय के आधार पर, और विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 साल। दैवी संप्रदाय तो बनते ही हैं, एक की बात नहीं, इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता, भले लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं जो नई दुनिया में राज्य करते हैं। बाकी 4 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता। ये सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखाते हैं प्रवृत्ति मार्ग का। विष्णु जी को दिखाया, बाबा कहते हैं जो 4 भुजाओं वाला विष्णु दिखाया वास्तव में प्रवृत्ति वालों का यादगार है। प्रवृत्ति में रहते हुए अपने लक्ष्य को स्मरण करना है। ये सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है कोई नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते,
तो बाप की रचना को कैसे जान सकते? बाप ही रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज बताते हैं। ऋषि मुनि भी कहते हैं हम नहीं जानते। बाप को जान जाए तो आदि मध्यंत को भी जान जाए, बाबा को जान जाए तो रचना के आदि मध्यंत को भी जान जाए। बाबा कहते हैं मैं एक बार आके तुम बच्चों को सारी नॉलेज समझाता हूँ, फिर आता ही नहीं, तो रचता और रचना के आदि मध्यंत को जाने कैसे? बाप स्वयं कहते सिवाय संगम युग के मैं कभी आता ही नहीं। पूरे 5 वर्ष में बाबा कहते मैं संगम पर आता हूँ, फिर कभी आता ही नहीं, मुझे बुलाते ही संगम पर हैं। पावन सतयुग को कहा जाता, पतित कलयुग को। जरूर मैं आऊँगा पतित दुनिया के अंत में, कलयुग के अंत में आके पतित से पावन बनाते हैं। सतयुग आदि में पावन है, ये तो सहज बात है ना। मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत कहेंगे। अगर कहते कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं तो और कितना पतित बनेंगे, कितना दुख होगा, सुख तो होगा ही नहीं। कुछ भी मालूम ना होने के कारण घोर अंधियारे में है, तुम समझ सकते हो। तो बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। ये भी ड्रामा अनुसार चित्र आदि सब निकाले हैं। बच्चे समझते जो समय पास होता, हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती हैं, ये समझने की बात है। बाबा जी का एक ड्रामा हूबहू चलता रहता है, अवस्थाएं भी नीचे ऊपर होती रहती हैं। कभी ग्रहचारी आकर बैठती तो उसको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते। बाबा घड़ी घड़ी कहते बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो, इसलिए टक्कर होता है, इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है, तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेगी, सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। ऊंच पद जिनको पाना है वो सदा सर्विस में लगे रहते हैं। जिन्हें ऊंच पद पाना है वो हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। तकदीर में नहीं तो तदबीर भी नहीं होगी। खुद कहते बाबा हमें धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी बहुत होती है, समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है। अब बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति समझकर औरों को समझाओ। कोई तो सर्विस में लगे रहते, पुरुषार्थ करते रहते, ये भी बच्चे जानते हैं। सेकंड जो गुजरता है ड्रामा में नोंद है, फिर ऐसे रिपीट होगा। हर सेकंड जो बीता सो ड्रामा, ऐसे फिर से रिपीट होगा। बच्चों को समझाया जाता बाहर भाषण आदि पर अनेक प्रकार के नए आते सुनने के लिए। समझते हो गीता वेद शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य भाषण करते, उनको कोई ये थोड़ा ही पता है कि यहाँ ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। रचयिता ही आकर सारा ज्ञान सुनाते हैं। त्रिकालदर्शी बनाना ये बाप का ही काम है, बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाना बाप का काम है। शास्त्रों में बातें हैं नहीं, नई बातें हैं। बाबा बार बार समझाते, कहाँ भी पहले पहले समझाओ, गीता का भगवान कौन, गीता ज्ञानदाता कौन, निराकार शिव है गीता ज्ञानदाता। ये बातें प्रोजेक्टर पर तुम बच्चे समझा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी में चित्र सामने रखा हो उन पे समझा कर तुम पूछ सकते हो कि अब बताओ गीता का भगवान कौन, ज्ञान सागर कौन। श्री कृष्ण को तो कह नहीं सकेंगे, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है? पहले पहले लिखाना चाहिए, फॉर्म भराना चाहिए, फिर सबसे सिग्नेचर कराने चाहिए। इतने में चिड़ियों का आवाज़ हुआ, देखो कितना झगड़ती हैं। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा है, मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है, 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते, जानवरों की तो बात ही नहीं। बाबा ने कहा कि 5 विकार भी मनुष्य में ही गाए जाते हैं। ये विशियस वर्ल्ड, वर्ल्ड मनुष्यों के लिए कहा जाता। कलयुग में आसुरी संप्रदाय है, सत्युग में दैवी संप्रदाय है। अब तुम्हें सारे कंट्रास्ट का पता है, तुम सिद्ध करके बता सकते हो। सीढ़ी में भी बड़ा क्लियर दिखाया, नीचे है पतित, ऊपर में है पावन, इसमें बड़ा क्लियर है। सीढ़ी ही मुख्य है उतरती कला और चढ़ती कला, जो रास्ते जन्मों की जो कहानी वाली सीढ़ी है, बाबा ने उसमें स्पष्ट दिखाया हुआ कैसे चढ़ती कला फिर धीरे धीरे उतरती कला। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है, इसमें ऐसा क्या डालें जो मनुष्य अच्छी रीति समझ जाए। बरोबर ये पतित दुनिया है, पावन दुनिया स्वर्ग थी, यहाँ सब पतित हैं, पावन एक भी हो नहीं सकता। रात दिन ये ख्यालात चलने चाहिए। आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है बाबा ही चित्र बनाए। बाबा कहते भले विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीढ़ी बहुत अच्छी बननी चाहिए।
आज बाबा याद कर रहे हैं आत्म प्रकाश भाई जी को। बाबा ने कहा कि बच्चे पूछते हैं कि बाबा ये चित्र ऐसे बनाएं, सीढ़ी पहले बाबा कहते बनानी चाहिए, इस पर बहुत समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लिया, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े, इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है, सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी होती, ये भी बच्चे जानते हैं, हम पार्टधारी एक्टर्स हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र हो सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है, यहाँ से जाएंगे तो पहले शांति धाम जाना है। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पार्टधारी समझते हैं इस दुनिया में। बाबा कहते हैं आपको ज्ञान मिला है कि हम आत्माएं पार्ट प्ले कर रहे हैं, पार्टधारी हैं, बच्चे भी नंबरवार हैं जो इस बात को समझते। दुनिया में ऐसा कोई कह ना सके कि हम पार्टधारी हैं, हम लिखते भी हैं, पार्टधारी एक्टर्स होते भी ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर आदि मध्यंत को नहीं जान सकते तो वो फर्स्ट क्लास बेस समझ है, जो नहीं जानते तो उनको बेस समझ कहा जाएगा। ये तो भगवानुवाच है, शिव भगवानुवाच ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान सागर वो निराकार है, उनको अपना शरीर है नहीं, बड़ी समझने की युक्तियां हैं। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, हम किसी की गलानी थोड़े ही करते हैं, ये तो राइट बात है। जो भी बड़े बड़े हैं उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो, सीढ़ी कोई को भी दिखा सकते हो, चित्र के द्वारा किसी को भी बता सकते हो, समझा सकते हो, विशेष बाबा कहते सीढ़ी के चित्र के द्वारा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है, श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी हो रहने की मेहनत करनी है, ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी हो रहकर की मेहनत करनी है, सोल कॉन्शियस बनने की मेहनत करनी है, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। वरदान है अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव, अपनी श्रेष्ठ धारणाओं के प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। ब्राह्मणों की श्रेष्ठ धारणा है संपूर्ण पवित्रता, इसी धारणा के लिए गायन है प्राण जाए धर्म न जाए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपनी इस धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, खुशी खुशी से करो, इसमें त्याग को त्याग न समझ भाग्य का अनुभव करो, तब कहेंगे सच्चे त्यागी, ऐसी धारणा वाले सच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं, जो त्याग में भाग्य का अनुभव करते हैं, अपनी धारणा को कभी नहीं छोड़ते हैं, ऐसे को ही कहा जाता है सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन है सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान है, सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान है। आज हम इस स्मृति में रहेंगे, ज्ञान सूर्य बाप मुझे मिला है, ज्ञान सूर्य बाप ने मुझे भी अपने जैसा मास्टर ज्ञान सूर्य बनाया है, मुझे स्वयं जग कर औरों को जगाना है। अनुभव करें मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, सूर्य के प्रकाश की तरह मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है,
बाबा ने मुझे अपनी समस्त शक्तियां देकर, प्रकाश देकर, शक्ति संपन्न बनाया है। मुझे प्रकाश दूसरों तक फैलाना है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य शुक्रिया बाबा शुक्रिया। जगा लो विवेक सारे जग का करण धार।